गाइस आज मैं आपको इमली की चटनी खट्टी मीठी बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने एक कटोरी में रात भर के लिए भिगो के इमली की रखी हुई थी, उसका जो है पल्स निकल गया, तो मैं बीज को छान लूँगी और छान के मिक्सर में चला दूँगी। और मैंने एक कटोरी कम से कम 10 खजूर होगी उसको मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था, आप चाहे 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखें, और बीज निकाल लिए हैं, दोनों को मैं एक साथ पीस लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको छान के इसकी सारी बीज निकाल लूँगी। देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, इसकी बीज मैंने निकाल ली है जो भी इसमें था। उसके बाद मैंने इसका पल्स जो है ये देखिए मिक्सी के जार में डाल दिया है, और इसी में मैं ये खजूर पूरी डाल दूँगी और इसको एक साथ ग्राइंड कर दूँगी। देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब इसको मैं एक पैन में डाल दूँगी। इसको इस तरह से मैं बराबर चलाती रहूँगी। इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालूँगी, ये थोड़ा सा जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा ये भुना कटा जो है भुना पिसा जो है मैं जीरा पाउडर डालूँगी, और इसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी, जिंजर पाउडर या सूखा जिंजर पाउडर जो आता है वो डाल सकती हैं, या फिर आप पेस्ट भी डाल सकती हैं। लेकिन अभी मैं इसको स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, अगर आप तुरंत यूज़ करने के लिए बना रही हैं तो इसमें जिंजर पाउडर और सौंफ पाउडर भी डाल सकती हैं, जैसे समोसे वगैरह के साथ ही चटनी खाने के लिए, तो उसको भी यूज़ कर सकती हैं और बहुत टेस्टी बनती है। इसको मैं इस तरह से चलाती रहूँगी और गाढ़ा होने तक इसी तरह से मीडियम आँच में चलाती रहूँगी। हमारा कैसे गाढ़ा हो गया है, इसका कलर बदल गया है। आप चाहें तो इसमें जो है फूड कलर का भी यूज़ कर सकती हैं, और अरारोट भी थोड़ा सा डाल सकती हैं जिससे और गाढ़ा हो जाएगा। अक्सर जो चाट वाले होते हैं वो बनाते हैं, तो ये जो हमारी चटनी है ये रेडी हो चुकी है। इसको हम जो है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ये जब ठंडा हो जाएगी तब इसको हम किसी टाइट जार में डाल के रख देंगे। चटनी जो है तैयार हो चुकी है, ये ठंडी हो जाएगी तो हम एयर टाइट बर्तन में इसे रख देंगे। इसको आप चाट में, दही बड़े में, और जो है आप आलू की जो कचालू बनती है उसमें, इन सभी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये चटनी, और बहुत टेस्टी होती है। और इसमें आप जो है हमने जो खजूर डाला उसकी जगह आप चीनी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खजूर ही डालें। तो आप इसको जो है बनाइए और ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।